हेलो गाइस, वेलकम टू इजी इलेक्ट्रिकल। सर्किट एनालिसिस के प्रीवियस लेक्चर पर देखा था मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम क्या होती है। तो आज के लेक्चर पर बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल और मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलते रहे। तो सबसे पहले जो अपन ने क्वेश्चन लिया है वो है गेट 2012 का, ठीक है। तो कह क्या रहा है कि अज्यूमिंग बोथ द वोल्टेज सोर्स आर इन फेज, ओके, द वैल्यू ऑफ आर फोर विच मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्किट ए टू सर्किट बी। वो कह रहा है कि जो सर्किट ए है वो बी को मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र कब करेगा, मतलब आर की कितनी वैल्यू रखूँ कि सर्किट ए से बी तक जो पावर ट्रांसफ़र हो रही है वो मैक्सिमम हो जाए, ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे वोल्टेज निकाल लूँ इस टर्मिनल पे, ठीक है। मतलब मुझे सर्किट ए की वोल्टेज पता चल जाएगी कि कितनी वोल्टेज ये यहाँ इस टर्मिनल पे आने वाली है सर्किट बी के, तभी तो मैं बता सकता हूँ कि मेरा लोड को कितना मिलने वाला है, ठीक है। तो देखते हैं, तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो कितनी होने वाली है। देखो जो करंट है आई सॉल्यूशन है, तो इसमें जो करंट आई है अपनी वो कितनी है। देखो 10 वोल्ट ये है, 3 वोल्ट ये है, सेम पोलैरिटी, देखो अपोजिट पोलैरिटी, मतलब टोटल वोल्टेज सर्किट कितनी हो गई 7 वोल्ट डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितना है 2+R, ठीक है। तो ये तो आगे मेरी करंट, ठीक है। वोल्टेज की बात करूँ तो इस टर्मिनल पे जो वोल्टेज V है, ठीक है, तो यहाँ पे इतने समय मैं KVL लगा के देखूँ कितना आएगा मेरे पास। जो V वोल्टेज है एक्चुअली मेरे पास किसके के इक्वल है, 10 वोल्ट माइनस 2। मान लो यहाँ पे करंट I फ्लो हो रही है तो I, ठीक है, कहाँ पे लगाया मैंने KVL, यहाँ पे, ठीक है। वोल्टेज आ गई किसकी, 10 वोल्ट माइनस 2i, या मैं लिख दूँ 10 माइनस 2i की वैल्यू कितनी है 7/2+R, या बोल देगा अपन कितनी हो गई ये 10-14/2+R इज इक्वल्स टू वी। वी इक्वल्स टू कितना आ गया ये 10R+6/R+2, ठीक है। एक v की वैल्यू भी आ गई अपने पास। अब मुझे निकालनी क्या है कि देखो करंट मुझे पता है, वोल्टेज मुझे पता है, दो चीज़ मुझे पता चल गई, ठीक है। अब मुझे निकालनी क्या है, सर्किट ए से बी तक कितनी पावर ट्रांसफ़र होगी मैक्सिमम पावर, ठीक है। तो मैक्सिमम पावर की कंडीशन क्या थी कि एक चीज़ वेरिएबल होनी चाहिए रेजिस्टेंस आर, बट इसमें लोड तो लिखा नहीं कहीं पे, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ, वो अपन वो वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते इसके अंदर कि अपन बोल दें कि VTH स्क्वायर अपॉन में 4RL, अपने को निकालनी है इस R की वैल्यू की कितनी वैल्यू पे मेरी मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ कि मुझे लोड निकालना पड़ेगा, लोड पावर, ठीक है, R के अक्रॉस जो लोड पावर मैं निकाल, मतलब पावर जो A टू B में ट्रांसफ़र हो रही है वो पावर निकाल के मुझे क्या करना पड़ेगा, R के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, और वहाँ से जो मेरे को मैक्सिमम मिलेगा वो होगी मेरी R की वैल्यू, ठीक है। देखते हैं कैसे होगा। तो इसमें देखो जो पावर है, पावर ट्रांसफर्ड फ्रॉम सर्किट ए टू बी, ठीक है। तो जो कितनी सर्किट पावर हो गई, देखो पी इक्वल्स टू वी आई, वी की वैल्यू कितनी है 10R+6/R+2, और आई की वैल्यू कितनी है 7/2+R, ठीक है। तो पी आ गया ये, तो पी, ठीक है। अब इसको क्या करूँ मैं, देखो ये कितना हो गया मेरे पास 7/10R+6/R+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया मेरा P। अब मुझे करना क्या है, इसको करना है R के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, और इक्वल्स टू जीरो, मतलब dP/dR इज इक्वल्स टू जीरो, या मैं बोलूँ कि d/dR 7/10R+6/R+2 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं क्या आगा। तो डिफरेंशिएट करने में अपने को क्या वैल्यू मिल रही है, वही वाला U अपॉन V वाला मेथड लगाते हैं, तो R+2 का
स्क्वायर का स्क्वायर पावर 4 हो जाएगी, नीचे वाली टर्म सेम की सेम, ऊपर वाले का करेंगे तो क्या होगा, देखो 7 तो कांस्टेंट है, 6 का 0 हो जाएगा, r का 1 प्लस 70 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 7 एंड 10 माइनस 7 10 r प्लस 6, ये तो सेम का सेम, इसका क्या हो जाएगा 2 r प्लस 2 और उसका 1 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, r प्लस 2 का होल स्क्वायर, देखो 7 कॉमन है 0, ये वाली चीज भी उधर 0 हो जाएगी, तो 7 इंटू 10 माइनस कितना हो गया, देखो ये मेरे पास बन गया 10 r प्लस 6 और ये वाला कितना बन गया 2 r प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो अपने पास क्या वैल्यू आने वाली है, 5 r स्क्वायर प्लस 20 r प्लस 20 इज इक्वल्स टू 10 r स्क्वायर प्लस 26 r प्लस 12, या इसको अपन लिख सकते हैं किसे से 5 r स्क्वायर प्लस 6 r माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अपने पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका अपन रूट निकाल लेंगे, ठीक है, देखते हैं कैसे निकलेगा। तो इसको सॉल्व करते तो क्या होगा, देखो इसको डिवाइड अपन कंपोनेंट डिवाइड करते तो क्या होगा, 5 r स्क्वायर प्लस 10 r माइनस 4 r माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो जो मेरे पास इक्वेशन बनने वाली है क्या बनेगी, r प्लस 2 5 r माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो देखो या तो ये वाली टर्म 0 होगी या ये वाली टर्म इक्वल टू 0 होगी, तो देखते हैं कैसे कौन सी टर्म 0 होगी। तो अगर मैं r प्लस 2 इक्वल टू 0 करूँ तो मेरे को यहाँ से क्या मिलने वाली है, r की वैल्यू माइनस 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल, रेजिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है क्या, तो मतलब ये वाली टर्म 0 होगी, इसको 0 करते हैं, 5 r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, देन r की वैल्यू कितनी आ गई 4 बाई 5, या मैं बोलूँ r की वैल्यू 0.8 ओम, ठीक है। मतलब क्या हुआ, अगर मैं r की वैल्यू 0.8 ओम रखूँ यहाँ पर तो सर्किट ए से बी की तरफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगी, ठीक है। तो जो आपका ऑप्शन होगा 0.8 वो आपको टिक करना है और आंसर आपका सही हो जाएगा। तो गाइज नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, एक और इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल, बने रहिए। तो गाइज जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो अपने देखो क्या कह रहा है कि इन द नेटवर्क कैलकुलेट द मैक्सिमम पावर दैट मे बी डिसिपेटेड इन द एक्सटर्नल रेजिस्टर आर। वो कह रहा है कि इसके अंदर R की वैल्यू में कितनी मैक्सिमम पावर डेसिपेट होने वाली है, ठीक है, या मैं बोलूँ कि मैक्सिमम पावर कितनी ट्रांसफ़र होने वाली है कि R की कितनी वैल्यू पे, ठीक है। तो सिमिलर है कि इसको हटाओ, ये अपना लोड रेजिस्टेंस आ गया, इसकी जगह VTH और RTH फाइंड करते हैं अपन, ठीक है। तो उससे पहले क्या करता हूँ, देखो ये वाला जो कॉम्बिनेशन है, देखो करंट सोर्स के पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, इंडिपेंडेंट करंट सोर्स के पैरेलल में एक रजिस्टर लगा हुआ है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, वोल्टेज सोर्स में चेंज कर लूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस सर्किट को वोल्टेज सोर्स में चेंज करता हूँ, ओके। तो क्या होगा, ट्रांसफॉर्मिंग द करंट सोर्स इनटू द वोल्टेज सोर्स, ओके, ठीक है, कर लेते हैं। सॉल्यूशन स्टार्ट हो गया यहाँ से अपना, तो देखो जो रजिस्टर होता है वो सीरीज में आ जाता है, उस नीचे करंट की डायरेक्शन ऊपर की तरफ, मतलब पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव, इसकी वैल्यू कितनी होगी, IR मतलब 40 वोल्ट, इसकी होगी 4 ओम, इसके सीरीज में क्या आ गया मेरे पास, एक इनडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स जो डिपेंड करता है I1 करंट पे, कौन से में फ्लोर या I1 करंट 6 ओम वाली में। तो ये हो गया कुछ इस टाइप से, और यहाँ पे क्या है मेरा 3 ओम का रेजिस्टेंस, और इसका मुझे करना है VTH फाइंड, 6 ओम यहाँ से मेरे को VTH मिल जाएगा, ठीक है, 6 ओम हो गया, 3 ओम हो गया, ये हो गया अपना सोर्स। तो देखो VTH कैसे फाइंड करते हैं, KVL लगाते हैं, सिंपल सी बात है, बाय KVL। तो KVL देखो कैसे लगेगा, देखो इसमें से कितनी करंट फ्लो हो रही है, 6 I1, ठीक है,
सिक्स आई वन, देखो तो इसमें करंट जाएगी नहीं, मतलब पूरे लूप में आई वन करंट ही तो फ्लो हो रही है। तो सिक्स आई वन प्लस फोर आई वन, ठीक है, इज इक्वल टू, देखो 40, देखो माइनस टू प्लस, माइनस टू प्लस, दोनों की पोलैरिटी सेम है, ठीक है, मतलब ये वोल्टेजेस ऐड होंगी, 40 प्लस टू आई वन, और इन रेजिस्टर का ड्रॉप होगा वो इन दोनों वोल्टेज के सम के इक्वल होगा, तो यहाँ से मुझे आई वन की वैल्यू मिल जाएगी। एक्चुअली ये भी स्मॉल आई वन ले लो, कन्फ्यूजिंग होगा, ठीक है, तो यहाँ से मुझे आई वन की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 10, 10 में से गया कितना, 2, 8, 8 और 8 40 पे कटेगा 5 पे, ठीक है, तो आई वन की वैल्यू यहाँ से मुझे 5 एम्पियर मिल गई। अगर आई वन की वैल्यू 5 एम्पियर है तो देखो यहाँ पे कौन सी करंट फ्लो हो रही है, आई वन करंट फ्लो हो रही है, अगर यहाँ पे आई वन करंट फ्लो हो रही है तो इसमें देखो ये 5 एम्पियर फ्लो हो रही है यहाँ पे, तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कितनी आ गई, 5 × 6 30 वोल्ट, और यही तो क्या मेरी वी टी एच है, ठीक है, देन द वी टी एच इज इक्वल टू 6 I1 एंड 6 × 5 इज इक्वल टू 30 वोल्ट, मतलब वी टी एच की वैल्यू आ गई मेरे पास 30 वोल्ट, ठीक है। अब अपने को फाइंड क्या करना है, आर टी एच, ठीक है, आर टी एच के लिए अगर अपन आर टी एच की बात करें अपन, तो आर टी एच में क्या होगा, जैसे कि आर टी एच, तो आर टी एच में होगा क्या, देखो इसको कर देते हैं अपन शॉर्ट सर्किट, ठीक है, देखो इंडिपेंडेंट लगा हुआ है, नॉर्टन वाला तरीका लगा दे, नॉर्टन में जैसे नॉर्टन रेजिस्टेंस निकालते थे वही वाली चीज़ निकालते, ठीक है, तो देखो क्या करना, क्या है 4 ओम, ठीक है, बैटरी कितने की आ गई, 40 वोल्ट प्लस माइनस, ये आ गया मेरा 4 ओम, ये कितना आ गया मेरे पास नेगेटिव पॉजिटिव 2 I1, और ये आ गया मेरे पास 6 ओम का, और ये आ गया 3 ओम, और ये कर दिया मैंने यहाँ से शॉर्ट सर्किट इसको, ठीक है, तो मुझे क्या निकालनी है, ISC करंट फाइंड करनी है। तो देखो यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है, ये पॉइंट मानने वाली है V, तो यहाँ पे लगाता हूँ नोडल एनालिसिस, ठीक है, देखते हैं नोडल एनालिसिस लगा के, बाय द नोडल एनालिसिस, ठीक है, नोडल एनालिसिस में इक्वेशन लगाते हैं, देखो तो V माइनस 40, और ये देखो 2 I1 ही सेम पोलैरिटी में, 40 वाला 2 I1 वाला, तो V माइनस 40 माइनस 2 I1 अपॉन 4 प्लस V अपॉन 6, देखो रेफरेंस के अकॉर्डिंग तो V माइनस 0/6 प्लस V माइनस 0/3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, 24 आएगा एलसीएम, ठीक है, इज इक्वल टू 0 होगा, देखो 6 पे जाएगा, 6V माइनस 240 माइनस 12 I1 प्लस 4V प्लस 8V, ठीक है, ये आ गया अपने पास। इसके बाद क्या होगा, जो अपनी क्वेश्चन बनने वाली है वो इस टाइप से बनेगी, देखो 6 8 4 12 6 18, 18V इज इक्वल टू 240 प्लस 12 I1, I1 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन 6, 240 प्लस 12 × V/6, मतलब 2V, ये इधर आकर 16V बन जाएगा, तो 16V इज इक्वल टू 240, या फिर क्या होगा, V इज इक्वल टू 240/16, कितने में कट गया ये, देखो 25, ठीक है, मतलब V की वैल्यू कितनी आ गई, एक मिनट, 15 वोल्ट, ठीक है, अगर V की वैल्यू 15 वोल्ट है तो इसमें करंट कितनी होगी, देखो इसके रिस्पेक्ट में ISC करंट फाइंड करनी ना अपन को, तो ISC कितनी करंट हो गई, V अपॉन 3 ओम, और V कितनी है 15/3, इट मीन ISC करंट कितनी आ गई 5 एम्पेयर। अगर मेरे पास ISC है और VTH मुझे पता है तो मैं RTH निकाल सकता हूँ, तो देखो तो RTH की वैल्यू क्या होती है, VTH अपॉन ISC, ठीक है, तो VTH कितना था अपने पास 30 वोल्ट अपॉन ISC कितनी है 5 एम्पेयर, तो कितना आ गया मेरे पास RTH 6 ओम, ठीक है, अगर ये 6 ओम आ गया तो मुझे क्या करना, क्या था, मैक्सिमम पावर निकालनी थी रेजिस्टेंस के लिए, ठीक है, तो कंडीशन क्या होती थी, RTH इज इक्वल टू RL, तो RL की वैल्यू कितनी है मेरे पास 6 ओम, अगर ये 6 ओम है तो मैं डायरेक्ट PL का मैक्स फॉर्मूला लगा लेता हूँ, PL लोड पावर मैक्सिमम वाला क्या था,
VTH का स्क्वायर अपॉन में 4 RL, VTH कितना है 30 × 30 अपॉन 4 × RL की वैल्यू थी 6, तो कितना आ गया मेरे पास, ये आ गया मेरे पास 37.5 वॉट। मतलब PL जो मैक्स की वैल्यू आने वाली है मेरी, वो आ गई 37.5 वॉट। ओके, तो इस टाइप से अपन निकालते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का, तो जो यूज़ होता है वो इसी टाइप से होता है, ठीक है। ये आ गया अपने पास 37.5 वॉट। एक नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो गेट में आया हुआ है, इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल है, छोटा सा आंसर होगा उसका, चलो देखते हैं। तो गाइस जो ये न्यूमेरिकल है वो गेट 2014 में आया था। इसमें कह रहा है कि अ नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स VS हैज एन इंटरनल इम्पीडेंस ऑफ ZS इफ अ प्योरली रेजिस्टिव लोड इज टू बी चूजन दैट मैक्सिमाइज द पावर ट्रांसफर्ड टू लोड इट्स वैल्यू मस्ट बी। ये चार ऑप्शन है। तो कहना क्या चाहता है, वो कह रहा है कि वोल्टेज सोर्स है नॉन आइडियल वोल्टेज सोर्स VS, ठीक है, एक VS वोल्टेज सोर्स है, प्लस वो कह रहा है कि क्या है मेरे पास एक इम्पीडेंस है ZS, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है प्योरली रेजिस्टिव RL लोड। अगर आप कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है दिखे ना, उसका डायग्राम बना लो, सबसे आसान होगा, ठीक है। तो ये क्या आ गया मेरे पास RL है, और ये आ गया मेरे पास ZS इज इक्वल्स टू, इसमें क्या होगा एक इमेजिनरी पार्ट होता है और एक क्या होगा रियल पार्ट होगा, प्लस माइनस JX, ठीक है। वो कह रहा है कि मुझे RL की वैल्यू क्या रखूँ, प्योरली रेजिस्टिव वैल्यू, कि मेरी जो पावर ट्रांसफर्ड है VS टू लोड की तरफ वो मैक्सिमाइज हो जाए। तो करते क्या है, देखो ZS की वैल्यू RL के इक्वल रखते हैं, वही वाली तो बात है, RL इक्वल्स टू ZS। बट वो कह रहा है कि प्योरली रेजिस्टिव होना चाहिए, तो क्या करें कि जो ZS की वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड क्या आएगा इसका, RS का स्क्वायर प्लस X का स्क्वायर इज इक्वल्स टू Z का मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब RL की वैल्यू कितनी आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ Z। मतलब RL की अगर वैल्यू मैं मैग्नीट्यूड ऑफ Z रख दूं तो क्या होगा, मेरी पावर मैक्सिमाइज होगी, ट्रांसफर होगी, ठीक है। कैसे, देखो मान लो ZS की वैल्यू है 3 + 4 J, ठीक है। अगर मैं ZS का मैग्नीट्यूड लूँ तो कितना आएगा, 9 + 16 का रूट इज इक्वल टू 25 का रूट, या बोलूँ कि ZS का मैग्नीट्यूड आ गया मेरे पास 5 ओम, ठीक है। अगर मैं RL की वैल्यू 5 ओम रख दूँ तो मेरी जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र हो जाएगी सोर्स टू लोड की तरफ, ठीक है। तो मतलब का वो जो ऑप्शन है मैग्नीट्यूड ऑफ ZS, ठीक ठीक कर देना, आपका आंसर सही हो जाएगा। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरम के साथ, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।